एवरीवन, कैसे हो आप लोग। सो आज हमारे साथ में है ऑल न्यू ब्रेजा जो अभी अभी लॉन्च हुई है। सो आज ना मैं आपके साथ इसका कंप्लीट वॉक अराउंड शेयर करने वाली हूँ। ड्राइव रिव्यू भी इसका आपको जल्दी मिल जाएगा, बट अभी हम इसका वॉक अराउंड शूट करेंगे। चलो फिर बिना देरी करे शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं इसकी फ्रंट प्रोफाइल से। सबसे पहले ये वाला जो आप एरिया देखोगे ये गन मेटल ग्रेसी फिनिश में है, एंड यहाँ पर ये दोनों साइड आप देख सकते हो क्रोम की फिनिश यूज़ की गई है। एंड इसके जो हेडलैम्प्स है उसके अंदर कुछ यहाँ पर आपको DRLs देखने को मिलते हैं। ये कंप्लीट LED सेटअप है। इसके जो इंडिकेटर है एक बार मैं आपको लाइट किए हुए दिखा देती हूँ। ये देखो यहाँ पे आपको इसका इंडिकेटर देखने को मिल जाता है। एंड एक बार मैं आपको इसके हेडलैम्प्स भी ऑन करके दिखा देती हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने इनको टर्न ऑन कर दिया, आप खुद चेक कर सकते हैं कैसे लग रहे हैं। दोनों ही LED प्रोजेक्टर्स हैं। एंड कुछ यहाँ पे आपको इसके LED फॉग लैम्प्स देखने को मिल जाते हैं। नीचे आपको यहाँ पे सिल्वर स्किड प्लेट देखने को मिल जाती है। एंड बाकी ये वाला आप पूरा एरिया देखोगे ना तो उसको ब्लैक रखा गया है, थोड़ा थोड़ा वही रगेड सा फील एड करने के लिए कार में। एंड 360 डिग्री वाला जो फ्रंट कैमरा है वो आपको कुछ यहाँ पे प्लेस मिलता है। इसकी साइड प्रोफाइल के बारे में अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्लैक क्लैडिंग का ना काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया है एक रगेड सी लुक ऐड करने के लिए। एंड यहाँ पे ना आपको 16 इंच के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, नया अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन है। एंड इसका जो टायर सेक्शन है वो है 215/60R16 का। एंड यहाँ पे आपको ORVM मिल जाता है ग्लॉसी सी फिनिश में, जिसके ऊपर टर्न इंडिकेटर देखने को मिल जाता है। एंड जो साइड वाला 360 डिग्री कैमरा है वो कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है जो दोनों साइड है, मतलब ड्राइवर और को ड्राइवर साइड। ऊपर अगर आप देखोगे तो सिल्वर कलर में आपको रूफ रेल्स दी गई हैं, अगेन एक अच्छा सा लुक ऐड करती है। एंड ये वाला एरिया ना आपको ग्लॉसी सी फिनिश में ऑफर किया गया है। बाकी यार साइड से इसकी लुक्स आपको कैसे लग रही है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। रियर से अगर आप देखोगे तो टॉप पे आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाता है, स्पॉइलर मिल जाता है, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप मिल जाता है, रियर वाइपर, वॉशर, एंटीफॉगर मिल जाता है। अभी ना रियर से अगर आप इस कार को देखोगे तो इस कार की जो लुक्स है वो किसी और कार जैसी लग रही है। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, आप लोग खुद कमेंट करके मुझे बताओ कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, किस कार की जैसी इसकी लुक्स लग रही है। एंड यहाँ पे ना आपको कंप्लीट LED सेटअप मिल जाता है टेल लैंप्स में। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको ब्रेजा की बैजिंग मिल जाती है, सुजुकी का लोगो मिल जाता है। एंड रियर से अगर आप इसे देखोगे ना तो ये ड्यूल टोन से कॉम्बिनेशन में है। एंड यहाँ पे आपको 4 पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको रियर पार्किंग कैमरा मिल जाता है। एंड नीचे ना कुछ सिल्वर से कलर में आपको स्किड प्लेट मिल जाती है। एंड कुछ यहाँ पे आपको स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग देखने को मिल जाती है। और बाकी यार अगर आप यहाँ नीचे देखोगे ना तो यहाँ दोनों साइड आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं। ये वाला जो पूरा एरिया है इसमें कुछ वर्टिकल लाइंस डाली गई है। बूट अनलॉक करने के लिए ना यहाँ पे आपको एक रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कितना बूट स्पेस मिलता है। यहाँ पे आपको एक लगेज लैंप मिल जाता है, हुक मिल जाता है, पार्शल ट्रे मिल जाती है। एंड यहाँ पे ना आपको सेम ही साइज का स्पेयर व्हील देखने को मिलता है, बट ये स्टील रिम है और उसमें आपको अलॉयज मिलते हैं। बात करते हैं रियर कैबिन के बारे में, तो मेरी हाइट के हिसाब से आज सीट एडजस्टेड नहीं है। फ्रंट वाली जो ड्राइवर साइड सीट है वो 5'11" हाइट के पर्सन के हिसाब से एडजस्टेड है। तो आप देख सकते हैं नी रूम, अंडर थाई सपोर्ट, रिक्लाइन एंगल एंड हेड रूम, ये आपके ऊपर है, अभी मैं ओपिनियन नहीं दे सकती हूँ। एंड यहाँ पे आपको जो हेडरेस्ट दिए गए हैं ना ये दोनों ही एडजस्टेबल है। एंड यहाँ पे आपको एक आर्मरेस्ट भी दिया गया है जिसके अंदर आपको 2 कप होल्डर्स देखने को मिल जाते हैं। सेंटर वाले पर्सन के लिए यहाँ पे आपको हेडरेस्ट ऑफर नहीं किया गया है। यहाँ पे आपको 2 AC वेंट्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको चार्जिंग की कनेक्टिविटी मिल जाती है, USB एंड C टाइप दोनों ही आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको एक हुक देखने को मिल जाता है जिसपे आप थोड़ा बहुत सामान अपना हैंग कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको हुक दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे मैप पॉकेट्स मिल जाती है, ये मेरी फेवरेट चीज़ है, इसमें आप बहुत सारा सामान डाल सकते हो। मेरी आदत है खाने पीने की चीज़ें साथ लेके घूमना। और अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो कैबिन लाइट आपको पीछे देखने को मिलती है। अगर कितने पर्सन यहाँ पे बैठ सकते हैं इसके बारे में बात करूँ तो अभी आप देख सकते हैं मैं तो यहाँ पे बैठी ही हूँ। आई थिंक 2 पर्सन और आराम से यहाँ पे बैठ पाएंगे। तो अब बात कर लेते हैं नई वाली ब्रेजा के इंटीरियर के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको जो स्टीयरिंग व्हील दिया गया है वो फ्लैट बॉटम है, एंड ये टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों ही फीचर्स के साथ में आता है। आप यहाँ से देख सकते हैं लेदर रैप्ड है। एंड कुछ यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। एंड कुछ यहाँ पे आपको वॉइस कमांड एंड फोन रिलेटेड कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको वाइपर के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। एंड कुछ यहाँ पे आपको हेडलैम्प के कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं। एंड यार ये एक नंबर चीज़ है, यहाँ पे पेडल शिफ्टर्स भी ऑफर किए गए हैं। यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने का बटन मिल जाता है, ये 360 व्यू का बटन है। एंड यहाँ पे आपको ऑटो ऑफ का बटन मिल जाता है, यहाँ पे आपको हेडलैम्प लेवलर मिल जाता है। एंड यहाँ पे आपको HUD यानी कि हेड्सअप डिस्प्ले का बटन देखने को मिल जाता है। और ये सारे आप जो कंट्रोल्स देख रहे हो ना ये हेड्सअप डिस्प्ले के ही हैं। एक बार मैं आपको ऑन करके दिखा देती हूँ। एक्चुअली यहाँ कैमरा में आई डोंट नो आपको इतना अच्छे से दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, बट मैं बहुत अच्छे से देख सकती हूँ। ड्राइवर के एंगल से आप इसकी पोजीशन वगैरह भी एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। इसकी ब्राइटनेस भी आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, तो इतना ही आपको शायद दिख पा रहा होगा, लेकिन मैं अगर ड्राइव कर रही हूँ यहाँ बैठ के तो कम्फर्टेबली मुझे दिख रहा है। एंड कुछ यहाँ पे आपको 6-speed ऑटोमेटिक गियर बॉक्स देखने को मिल जाता है।
यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का पावर आउटलेट देखने को मिल जाता है एंड यहाँ पे आपको यूएसबी की कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है एंड कुछ यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग पैड देखने को मिल जाता है। यहाँ पे ना आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी दिया गया है एंड यहाँ पे आपको इसके कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं एंड ये चीज मुझे अच्छी लगी कि यहाँ पे आपको बटन कंट्रोल्स भी दिए गए हैं। ये वाला अगर आप एरिया देखोगे ना तो ये पूरी सिल्वर फिनिश में आपको देखने को मिलता है, वेयर एज ये वाला जो एरिया आप देख रहे हो ये ब्राउन सा कलर है, चॉकलेट ब्राउन सा, एंड इसके ऊपर आपको कुछ टेक्सचर देखने को मिल जाता है। ये वाला एरिया भी आपको ब्राउन में देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे जो आर्मरेस्ट आपको दिया गया वो स्लाइडेबल है, आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो एंड ओपनेबल भी है। इसके अंदर आपको स्टोरेज स्पेस देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको ना 9 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जो कुछ अलग से तरीके से प्लेस्ड है एंड इसमें आपको 40 प्लस कनेक्टेड कार फीचर्स भी मिल जाते हैं और इसका जो टच रिस्पॉन्स है वो भी आप चेक कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपको जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है ना उसमें आपको स्पीडोमीटर और आरपीएम मीटर एनालॉग देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको इंजन टेम्परेचर देखने को मिल जाता है एंड यहाँ पे आपकी कार में कितना फ्यूल है ये आपको देखने को मिल जाता है। एंड सेंटर में ना आपको डिस्प्ले दी गई है जिसके अंदर आपको एवरेज फ्यूल इकोनॉमी रेंज वगैरह सब देखने को मिल जाता है। एंड ये जो पी आप देख रहे हो क्योंकि ऑटोमेटिक कार है तो ये पार्किंग पे पड़ी हुई है अभी, तो इसलिए यहाँ पे आपको पी देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको टेम्परेचर मिल जाता है, यहाँ पे आपको टाइम देखने को मिल जाता है और यहाँ पे आपको जो IRVM दिया गया है ना वो ऑटो डिमिंग है एंड यहाँ पे आपको सनग्लास होल्डर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको कैबिन लाइट्स मिल जाती है एंड ये आपको यहाँ पे ना सनरूफ के कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। अब तो मारुति में भी सनरूफ आ गई है एंड यहाँ पे आपको सनशेड पे वैनिटी मिरर देखने को मिल जाता है एंड इसके ऊपर भी लाइट है। ये देखो लाइट आप कंट्रोल कर सकते हो, ऑन ऑफ कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है भाई आपको लाइट चाहिए या नहीं चाहिए। एंड दूसरी साइड आपको यहाँ पे सनशेड के ऊपर टिकट होल्डर देखने को मिल जाता है एंड यहाँ पे इसके ग्लव बॉक्स की बात करें तो डिसेंट से साइज का ग्लव बॉक्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और अब ना मैं आपको एक बार इसके 360 डिग्री कैमरा की क्वालिटी चेक करवा देती हूँ। ये आप देख सकते हो ये कंप्लीट राउंड लेता है ऐसे एंड उसके बाद आपको मतलब चारों ओर से दिख रहा होगा सब कुछ। बाकी इसकी जो भी प्राइसिंग है बेस से लेकर टॉप वाले वेरिएंट्स की, सभी वेरिएंट्स की प्राइसिंग आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये था ऑल न्यू ब्रेजा का एक क्विक सा वॉक अराउंड। अभी भाई मैं ज़्यादा ओपिनियंस वगैरह नहीं दे सकती, ओपिनियन वाला डिटेल्ड वॉक अराउंड भी आप सभी के लिए लेकर आऊँगी और इसके साथ ड्राइव रिव्यू भी लेकर आऊँगी। तो मुझे लगता है मैं 5 के अराउंड वो वीडियो भी डाल दूंगी, बाकी एग्जैक्टली मैं अभी आपको नहीं बता सकती। एग्जैक्ट अपडेट मैं कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगी, तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये ब्रेजा कैसी लगी। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।